और सीधा लिए चलते हैं धर्मेंद्र प्रधान प्रेस कॉन्फ्रेंस का। मित्रों, फिर अंत में मैं आपकी सहयोग चाहता हूं, देश की लाखों विद्यार्थियों की जो ग्रामीण गरीब मेधावी विद्यार्थी नीट की परीक्षा में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं, आइसोलेटेड घटना के लिए उनकी कैरियर को होस्टेज में ना रखा जाए। मैं फिर आश्वस्त करता हूं, सरकार किसी भी गुनहगार को किसी भी सुधार के लिए हम तैयार है, किसी भी गुनहगार को हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए सारे पुख्ता प्रमाण तथ्य एक लीगल एंड लॉजिकल एंड की एक वरीयता रहती है, आवश्यकता रहती है। इस पे सरकार गंभीरता से सारा विषयों को लिया है, मैं आप सभी का सहयोग कामना करता हूं। थैंक यू सर। हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, यहाँ लेफ्ट से शुरू करते हैं। नंबर 10, आप अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन प्लीज बताएं, तब शुरू करें। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस हु इज हेडिंग द कंपोजिशन ऑफ दिस? थोड़ा माइक को ऑन करो। सर, रितिका फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। आपने कहा एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, कैन यू टेल अस अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द कमिटी? एंड माय सेकंड क्वेश्चन सर, कि आपने कल यूजीसी नेट इस सस्पेंशन पे कैंसिल किया कि शायद उस एग्जाम की इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई हो। The initial or rather the preliminary inquiry of Bihar police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्व किया और जवाब रटे गए। So would you just based on that suspicion or indication also want you know cancel UGC sorry NEET UG? ठीक है, दो प्रश्न आपने रखे हैं। एक तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, समाज जीवन के आज के दिनों में भारत की जो विश्वसनीयता बनी है उसको बरकरार रखने के लिए समाज जीवन के एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करते हुए टेक्नोक्रेट्स, साइंटिस्ट, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट, इस सभी प्रकार की बैकग्राउंड की लोगों को इकट्ठा करते हुए एक सरकार इफेक्टिव कमिटी बनाएगी। उनकी कमिटी की रिकमेंडेशन से एनटीए को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा। जल्दी ही हम उस कमिटी को नोटिफाई करेंगे। आपने नेट यूजीसी के बारे में कहा, कोई टेंटेटिव नहीं था। कल मैं जब हमारे यूजीसी चेयरमैन को गृह विभाग की होम मिनिस्ट्री की I4C एजेंसी जो विशेष करके साइबर क्राइम को ट्रैकिंग करने के लिए बनी है, उन्होंने 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये न्यूज आता है, ये क्वेश्चन आता है, टेलीग्राम की जो चरित्र है उसको एक उच्च स्तरीय अनुसंधान के बिना उसकी ट्रैकिंग करना अपने आप में एक चुनौती है, आप उसके बारे में जानते हैं। हमने तत्क्षणात निर्णय किया कि इस परीक्षा कंप्रोमाइज हुई है, उसको स्थगित किया जाए। और जल्द ही हमने उसी में भी कहा है कि जल्द ही हम नया तिथि के साथ आएंगे परीक्षा करने के लिए। तो नीट